गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ। आज करेंगे हम पेज नंबर 115। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व द सम्स। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि इसमें किस तरीके से 10, 20 और 30 करे हुए हैं। जैसे टेंस का वन होता है, वन का टेंस हो गया, टू का टू टेंस हो गया, थ्री का थ्री टेंस और 60 का 6 टेंस। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, आगे की डिजिट हमारी कौन सी होती है, वन, और पीछे की होती है हमारी लेफ्ट साइड में होती है हमारी टेंथ, और इससे आगे होती है तो वो होती है 100। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मल्टीप्लाई 45 बाई 10, यानी कि 45 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 इंटू 10 इजकल टू 45 मल्टीप्लाई 110, तो 110 ही हो गया ना। या 45 टेंस इजकल टू 450। यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लाई करके बताया, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला सवाल है आपका, सॉल्व द सम्स। 37 इंटू 10 इजगल टू 37 इजगल टू 1, 1 क्या है हमारा टेंस, तो 37 क्या बन गया हमारे टेंस हो गए। तो इसको क्या करा है, ये हो गया हमारा, जैसे कि बेटा जी हम कोई भी सवाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको यही सवाल है, 37 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस डिजिट को हम दो बार ना करके, क्योंकि हमारे जीरो से तो वही आता है जीरो जीरो, फिर हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं 73, तो हमारे क्या आ जाता है 370। अगर हम इसी सवाल को इस तरीका से कर दें, अगर किसी भी संख्या को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हमारे पास 200 है या 100 है और इसको 37 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं हमारे 37 जो डिजिट है उसके आगे कितनी, यहाँ पर हमारे कितने जीरो हैं, टू, तो टू जीरो लगा देंगे। अगर वन है तो वन जीरो लगा देंगे। इस तरीका से जैसे 22 को हमें करना है 20 से मल्टीप्लाई, तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, अब हमारे पास क्या रह गए हमारी जीरो, तो इस जीरो, वन है जीरो है ना, तो वन जीरो इसके पीछे लगा दें। जितनी हमारी जीरो होती है किसी डिजिट के पीछे उतनी ही जीरो हम उस डिजिट के पीछे लगा देते हैं, तो वो हमारी 20 हो, 30 हो, 300 हो, तो उस तरीका से हम उसे दो बार ना मल्टीप्लाई करके एक ही बार कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टेंस से। तो जो आपको यहाँ पर सवाल सॉल्व करने हैं वो इसी तरीका से करने हैं। जैसे 24 इंटू 30, तो यहाँ 24 इंटू 3 टेंस हो गया, 3 ले लिया हमने, 0 को हमने टेंस में कर दिया, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना है 72 टेंस। 72 टेंस में हमारे जो 0 थी वो हमने इसके पीछे लगा दी, तो ये बन गया 720। तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करा, तो वही देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, 3 4 जा 12, 1 कैरी लगी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, अब इसके पीछे कितनी जीरो है हमारी 1, तो हमने इसके पीछे भी 1 लगा दिया। अगर इसके पीछे हमारी 2 डिजिट होती तो 2 ही लगा देते, 20। इसी तरीका से आप इसको करेंगे, 42 मल्टीप्लाई 2 इजगल टू 42, तो हमारा टेंस क्या हुआ 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 जा 22 जा 4, 28 84 टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 84 840, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 840। तो इस तरीका से आप ये सवाल अपनी फेयर कॉपी में करोगे और बुक में नोट करोगे, तो 115 पेज करना है। इसी तरीका से आप इस पेज को भी करोगे सॉल्व, यहाँ पे भी इस तरीका से सॉल्व किया हुआ है, मैंने अभी आपको समझाया ना, मल्टीप्लाई जीरो जीरो कर रखिए, क्रॉस लगा के आपको ये सवाल करने हैं। ओके बेटा जी, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।